सो हेलो एवरीवन, आज हमारा रहेगा ये पार्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 11 से लेके 20 तक आज हम देखेंगे अपने एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स हैं विद एग्जांपल के साथ, क्या एडजेक्टिव है और इसके रूल्स क्या हैं, तो सभी को हम जानेंगे अपना एक एक कर। तो आप चैनल में हमारे कनेक्टेड हो जाइए, साथ में सब्सक्राइब करके रखना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पोजिशन ऑफ ऑर्डिनल्स एंड कॉर्डिनल्स, तो जो ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स होते हैं इनका पोजिशन क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव में, ये अभी जानेंगे इसके में इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट नंबर अपने 11 में। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 38 के द्वारा दे सकते हैं कि ही हैज सॉल्व्ड द 5 फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो इसमें मुझे जब सबसे पहले हमेशा ऑर्डिनल्स रखा जाता है, उसके बाद कॉर्डिनल्स। तो पहले ओ, इस तरीके से देखो मैंने भी याद रखा, आप रख सकते हैं ओ सी, है ना, ओ सी से याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी ओ मत याद रखना, ओ सी, 3-4 बार रिपीट कीजिए, ओ सी ओ सी ओ सी, तो ओसी से याद करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहले ऑर्डिनल्स फिर कॉर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ये जो वर्ड हैं ये सब ऑर्डिनल्स में कहलाते हैं। लेकिन कॉर्डिनल्स क्या होते हैं, नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब कॉर्डिनल्स हैं। तो इसमें देखिए सेंटेंस में ही है सॉल्व द 5 फर्स्ट ना होकर क्या होना चाहिए, पहले ऑर्डिनल्स फिर कॉर्डिनल्स। तो ओसी के अकॉर्डिंग पहले आएगा फर्स्ट, द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इंस्टीड ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की जगह पर आना चाहिए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ना कि 5 फर्स्ट क्वेश्चंस। तो और ये भी ध्यान रखना, ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा हम द लगाते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, इनके बाद में। तो इसमें सेंटेंस में जो होगा, ही हैज सॉल्व्ड दी फर्स्ट, यहाँ 5 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन कर चुका है। एग्जाम्पल नंबर 39 है, द पुलिसमैन चेक्ड ओनली द पेन फर्स्ट, द 10 फर्स्ट, देखो यही रॉन्ग है। तो पहले फर्स्ट, द फर्स्ट 10 ट्रक्स, दी क्या होगा, दी फर्स्ट, दी फर्स्ट, उसके बाद 10, फिर ट्रक, दी फर्स्ट 10 ट्रक, ये सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेप होगा ये रॉन्ग है। तो यहां पर दी फर्स्ट 10 ट्रक्स इंस्टीड ऑफ 10 फर्स्ट ट्रक्स की जगह पर यूज करेंगे। एग्जाम्पल 40 है, 15 मैन बेंट इनटू लायंस डेन, यानी कि 15 लोग शेर की गुफा में गए, 1 बाय 1, एक एक कर, एज चैलेंजिंग बट ओनली द 2 लास्ट सरवाइव। लेकिन सिर्फ लास्ट टू, देखो 2 लास्ट सरवाइव नहीं होगा, क्या होगा, पहले ऑर्डिनल्स मतलब लास्ट, उसके बाद फिर 2, तो ओनली द लास्ट 2 सर्वाइव्ड, यहां पर लास्ट 2 का प्रयोग करेंगे, 2 लास्ट का नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 11 है कि ईच, ईदर, नीदर और एवरी। ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये 4 जो वर्ड हैं अपने सामने, अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन को लाते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे इनके बाद में, याद रखना चारों वर्ड को। इधर नीदर ईच एवरी, इधर नीदर ईच एवरी, इधर नीदर ईच एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो एग्जांपल नंबर 41 देखते हैं कि ईच बॉय ऑफ दिस क्लास वर, देखिए अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन आया है दिस क्लास, और बॉय भी सिंगुलर है हमारा, ठीक। तो ये जो वर है, वर ना होकर क्या होना चाहिए यहाँ पर, बॉय, ये बाज होना चाहिए। ईच बॉय ऑफ दिस क्लास बाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, इस कक्षा के प्रत्येक छात्र को प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया है। रूल एग्जाम्पल नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द जज, रूल्स के अनुसार जो सेट बनाए गए हैं सेट बाय द जज, ईच स्पीकर वर अलाउड। अब देखो ईच क्या है हमारा, ये एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, स्पीकर क्या है, नाउन है। तो ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर स्पीकर सिंगुलर सही है। लेकिन वर जो वर्ब है, ये वर आई है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, बाज। तो वॉज अलाउड टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, मतलब प्रत्येक स्पीकर को 5 मिनट मिले हैं बोलने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 43 है, आई एम गोइंग टू द फैमिली फंक्शन, मैं फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ, ओनली बिकॉज एवरी कजिन, क्योंकि बिकॉज एवरी कजन, जितने भी कजन थे ऑफ माइन मेरे, इज कमिंग, आर कमिंग नहीं, क्या होना चाहिए, इज कमिंग, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 13 है कि सम और एनी का, देखिए क्या होता है, सम एक पॉजिटिव सेंस देता है जबकि एनी एक नेगेटिव सेंस देता है, ये ध्यान रखिए आप।
तो सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जबकि एनी का यूज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, हम एनी वर्ड का। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, आई डोंट हैव सम या फिर एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। अगर यहाँ निगेटिव वर्ड है तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सम वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस जो है निगेटिव है तो हमेशा एनी वर्ड का यूज करना है। लिखा है निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए एनी लगाएंगे और पॉजिटिव के लिए हमेशा सम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग, सम का प्रयोग ना होकर एनी का यूज करेंगे। तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड, मुझे इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम्पल 45, सी टोल्ड मी दैट सी नीड एनी टाइम। अब देखिए यहाँ एनी निगेटिव के लिए लगाते हैं, यहाँ तो नॉट है नहीं, तो सी नीडेड सम टाइम, एनी ना होकर क्या होना चाहिए, सी नीडेड सम टाइम टू थिंक अबाउट माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल के बारे में उसे थोड़ा सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हम एनी ना लगाकर सम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 46 है, यू ऑल आर इन्वाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी दिस वीकेंड, बट प्लीज डोंट ब्रिंग एनी पेरेंट एनी प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर क्योंकि डोंट है तो यहाँ पर एनी का प्रयोग करेंगे, सम का नहीं, यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। क्लियर है, चलिए सम और एनी का यूज हो गया यूज। अब आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव कॉन्सेप्ट नंबर 14 पर। तो कॉन्सेप्ट 14 है, डोंट यूज वेरी मोर और मोस्ट विथ दीज एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव के साथ कभी भी वेरी मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है। अब वो एडजेक्टिव हो कौन सी, ये जो नीचे लिखी हुई है इम्पॉसिबल, तो ये कभी नहीं लिखेंगे वेरी इम्पॉसिबल, नो, मच इम्पॉसिबल भी नहीं, सिर्फ इम्पॉसिबल। यूनिवर्सल, सेंट्रल, सॉरी इटरनल है, इटरनल मीन्स अनंत जिसको बोलते हैं, चीफ मुख्य, आइडियल आदर्श है, सुप्रीम सर्वोच्च, परफेक्ट सबसे अच्छा, यूनिक जो एक हो, सिंगल हो, एक्सीलेंट सबसे अच्छा, फुल पूरा भरा हुआ हो। तो कभी भी यू नहीं था मोर फुल, मोस्ट फुल या वेरी फुल, नहीं, ऐसी एम्प्टी है, एंटायर है, डेड मरा हुआ है, फ्री है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कभी मोर रेक्टेंगुलर नहीं देखेंगे आप, रेक्टेंगुलर मीन्स पूरा रेक्टेंगुलर है। तो एग्जाम्पल नंबर 47 के माध्यम से देखेंगे, आई कैन अश्योर यू दैट दिस स्कूल इज मोस्ट एक्सीलेंट, गलत होगा, दिस स्कूल इज एक्सीलेंट, ओके। आई रियली लव द एरिया द एंड सी इट एज द आइडियल प्लेस टू गेट मैरिड। तो द मोस्ट आइडियल कहाँ से हुआ है, आइडियल के पहले तो हमें लगाना ही नहीं है कभी इनके साथ में, मोर और मोस्ट जैसे वर्ड। एग्जाम्पल नंबर 49 है, टुडे आई मीट ए पर्सन, मैं आज एक व्यक्ति से मिला हु कुड कम्युनिकेट विद एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के साथ भी बातचीत कर सकता था। आई गेस सम ह्यूमंस आर बॉर्न विद द यूनिक टैलेंट्स, नॉट द मोस्ट यूनिक टैलेंट। यूनिक कभी भी अपने साथ में मोर मोस्ट जैसे वर्ड को लाता ही नहीं है। तो यूनिक मतलब यूनिक, जो एक ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 15 है, इफ ए पर्सन और थिंग इज बींग कंपेयर्ड विथ ए ग्रुप, यदि कोई पर्सन या थिंग को हम किसी ग्रुप से कंपेयर करते हैं, ही और इट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो वह जो है उस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि रोहन इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ इज क्लास, तो रोहन जो है टॉलर है किससे, उन सभी बॉयज से जो इस क्लास के हैं। तो रोहन मतलब इस क्लास का नहीं है, तो रोहन इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ दिस ऑफ इज क्लास की जगह पर ऑल द अदर बॉयज का प्रयोग करेंगे इंस्टीड ऑफ ऑल द बॉयज के। तो रोहन इज टॉलर देन ऑल द अदर बॉयज, रोहन की तुलना हम अदर बॉयज से कर रहे हैं अपने क्लास के। राहुल, अब देखिए जो अदर बॉयज हैं उनकी हाइट अलग है और रोहन की हाइट अलग है, तो ये बात हो रहा है कि रोहन की हाइट अदर बॉयज से ज्यादा है। इसके लिए राहुल माई कलीग इज मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ आवर कंपनी। तो यहाँ पर ऑल द एम्प्लॉयज ना होकर ऑल द अदर एम्प्लॉयज की तुलना करेंगे हम किससे, सिर्फ राहुल के वर्क से। तो यहाँ पर ऑल द अदर एम्प्लॉयज होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 42 है, 52 है, बेस्ड ऑन द स्टोरीज दैट आई रीड वेन आई वॉज चाइल्ड आई थिंक नो एनिमल इज एज कनिंग एज ए फॉक्स। तो आई थिंक नो एनिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुलना करना चाहते हैं एनिमल्स की, ठीक है, किसी अदर एनिमल्स से। तो यहाँ पर आई थिंक नो अदर एनिमल इंस्टीड ऑफ
आई थिंक नो एनिमल, तो यहां पर नो अदर एनिमल का यूज करें। कॉन्सेप्ट नंबर 16 है कि डोंट यूज मोर विथ कंपरेटिव डिग्री। कंपरेटिव डिग्री में कभी भी हम मोर नहीं लगाते हैं। मोर डिग्री कंपरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स एंड मोस्ट विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स कभी भी ये नहीं लगाना। जैसे कि ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अजय, तो देखिए डबल कंपेरेटिव बन रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्गर भी है और मोर भी है, तो यहाँ पर हम मोर को हटा देंगे। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन अजय, या फिर यूज मच या फार, हम मोर की जगह पर मच या फार लगा सकते हैं। तो ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन अजय, लेकिन सिर्फ अकेला स्ट्रॉन्गर ही हमारा ठीक रहेगा। 54, मिस्टर मेहता हैज टू डॉटर्स एंड द अदर यंगर वन इज मोर प्रिटियर, ना होकर सिर्फ प्रिटियर देन द अदर ओल्डर वन, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिटियर होगा। मच या फार का यूज कर सकते हैं लेकिन नीड नहीं होता है ऐसा कुछ। आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, मैं उसके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। ही इज द मोस्ट नाइसिएस्ट, अब देखो ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है नाइसिएस्ट, तो इसके साथ ये मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, तो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 17 है, देखते हैं दोस्तों कि लेटर का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं, लेटर मतलब बाद का समय, और लेटर का प्रयोग हम दो में से बाद वाले के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखना। ये लेटर का प्रयोग है, LATER, इसका मतलब है समय के लिए। ए फ्यू मिनट्स लेटर लिख के आता ना TV वगैरह में, तो ए फ्यू मिनट्स लेटर का मतलब दो मिनट के बाद। लेकिन ये जो लेटर है LATER, इसका दो में से बाद वाले के लिए हम यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में सपोज दो सब्जेक्ट हैं, तो हम इस दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए लेटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, जो कि दूरी का मतलब है, और फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, कोई और चीज, अन्य चीज, इसके लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। गुड एडजेक्टिव है जबकि बैल एक एडवर्ब है, तो याद रखिए गुड एक एडजेक्टिव है और बैल एडवर्ब है। एक एडवर्ब हमेशा वर्ब को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए कहते हैं आई एम फाइन या आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, क्योंकि बैल रिप्रेजेंट कर रहा है इस वर्ब को। लेकिन आई एम गुड ये गलत होता है कहना, क्योंकि एडजेक्टिव सिंगल नहीं लगाता, एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा नाउन लेगा। बैड एक एडजेक्टिव है जबकि इल एडवर्ब है, दोनों का मतलब ही होता है खराब। फार नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए यूज करते हैं फार का प्रयोग, और जबकि लॉन्ग वे का प्रयोग हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। लास्ट का मतलब है अंतिम वाला, जो कि अंत में है, जबकि लेटेस्ट का मतलब है हाल ही में जो हुआ है, अभी अभी हुआ है, उसका मतलब है लेटेस्ट। नेक्स्ट माने अगला होता है, जो कि अगला कुछ ऐसे आने वाला हो तो वो नेक्स्ट हो जाएगा, जबकि नियरेस्ट का मतलब होता है पास का, सबसे नज़दीक का, दैट इज नियरेस्ट। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं 56 में, ऑफ दीज टू चॉइसेस ऑफ क्यू साइंस आई वुड लव टू हैव द लेटर वन, तो मुझे जो दो चॉइसेस हैं क्यू साइंस की, उसमें से मुझे लेटर वन मतलब बाद वाला मुझे पसंद है, तो यहाँ पर लेटर ये वाला ना होकर ये LATER होगा, लेटर वन, ठीक है। नेक्स्ट है आई होप इट वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम इफ वी पोस्टपोन दिस मीटिंग टू ए लेटर डेट, अब ये बाद वाली डेट नहीं है, ये है लेटर डेट का मतलब किसी और डेट को, तो यहाँ पर LATER होगा, लेटर डेट, ये वाला लेटर सही होगा। 58 में आई वॉन्टेड टू डिस्कस, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उस टॉपिक को फार्दर, बट अब देखिए मैं उस टॉपिक को फार्दर दूर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या नहीं, मतलब इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ, तो यहाँ दूर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है दोस्तों फर्दर की, मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा फर्दर, ठीक है। 59, माई कॉलेज इज लोकेटेड फार्दर, अब यहाँ फर्दर नहीं होगा, फार्दर दूर की बात हो रही ना, क्योंकि माई कॉलेज इज लोकेटेड, तो यहाँ पर फार्दर का प्रयोग होगा, फर्दर नहीं, तो फार्दर देन हर्स एट सी गॉट ए स्कूटी एंड आई गॉट ए वाई स्किल। रूल नंबर सिक्स, एग्जाम्पल नंबर 60, माई फ्रेंड हैज टोल्ड मी दैट दिस न्यू रेस्टोरेंट सर्व्स बेल इंडियन फूड, तो यहाँ पर बेल जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब हमारे वर्ब को रिप्रेजेंट करती है, मुझे यहाँ पर चाहिए इंडियन फूड जो कि नाउन है, तो इसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा, तो गुड इंडियन फूड, यहाँ पर गुड का प्रयोग करेंगे, गॉड नहीं, गुड का प्रयोग करेंगे, बेल का नहीं होगा। आई स्टेड अप ऑल नाइट, कहाँ पर, हाँ, एंड प्रिपेयर्ड ए लॉट ऑफ फॉर माई मीटिंग बट इट डिडेंट गो वेल, अब गो क्या है, वर्ब,
तो वर्ब के बाद कोई नाउन तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पर इट डिडंट गो वेल, यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर कोई नाउन आता तो हम यहाँ पर गुड का प्रयोग सेंस ले सकते हैं, सही है। व्हेन ही वॉज हेयर, जब वह यहाँ था लास्ट ईयर में, ही वॉज ग्रॉसली बैड, तो यहाँ बैड ना होकर ग्रॉसली इल ट्रीटेड बाई यू। बैल एक गुड सेंस देता है, जबकि हमारा इल जो है वो एक नेगेटिव सेंस देता है। इल रोहित हैज मेड सम बैड चॉइसेस, तो यहाँ पर बैड चॉइस, चॉइसेस हमेशा कैसी होंगी, नेगेटिव वाली होती है ना, अगर उसके नेगेटिव चॉइसेस हैं तो, और पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चॉइसेस होंगी, तो यहाँ पर बैड चॉइसेस नहीं, इल चॉइसेस। किसका प्रयोग करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड, यूज बैड चॉइसेस, हाँ जी ये तो सही है, इन लाइफ, बट ट्रस्ट मी ही इज नॉट एन इल पर्सन, वह एक इल पर्सन नहीं है, तो इल पर्सन ना होकर, इल तो बीमार होता है भैया, बैड पर्सन का प्रयोग हम करेंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 64, हाउ फार अलोंग, या अब देखो फार आएगा कि लॉन्ग आएगा, तो हाउ लॉन्ग नहीं, हाउ फार बे इज द लाइब्रेरी फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, तुम्हारे घर से लाइब्रेरी का रास्ता जो है वो कितना दूर है, तो फार का प्रयोग करेंगे डिस्टेंस के लिए। ही इज गुड एट शूटिंग, गुड के साथ हमेशा एट आएगा, द बैल द बॉल इन टू द नेट फ्रॉम फार, तो यहाँ फार का जगह पर प्रयोग ना होकर ए लॉन्ग वे का प्रयोग होगा, किसका, ए लॉन्ग वे। कॉन्सेप्ट नंबर 18 है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए क्या है, तो हॉरिफाइड मैन अगर है, मतलब डरा हुआ आदमी, तो ये हुआ हमारा कैसा, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन जब हॉरिफाइंग मैन लिखा है तो ये डरावना आदमी है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इन्हीं के यूज के बारे में एग्जाम्पल है 66, ही सॉल्व्ड दैट कन्फ्यूज क्वेश्चन वेरी इजली, तो ये कन्फ्यूज क्वेश्चन जो है, देखो अब ये मुझे चाहिए पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, ही सॉल्व दैट कन्फ्यूज क्वेश्चन ना होकर क्या होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वेरी इजली, उस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को उसने बहुत इजली सॉल्व कर दिया है। 66 67, ही टोल्ड मी दैट, उसने बताया मुझे, ही हैड गिफ्टेड हिज गर्लफ्रेंड, क्या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया है, ए वेरी इंटरेस्टेड नॉवल, नहीं वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, वेरी के साथ हमेशा इंटरेस्टिंग आएगा, तो वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल आएगा। आई ट्राइड अलॉट, मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बट आई कुड नॉट फाइंड माई लॉस्ट बुक, ये लॉसिंग बुक नहीं, लॉस्ट बुक का प्रयोग करेंगे। कुछ चीज़ें बड़ी इडियोमेटिक, मतलब फिक्स होती हैं, तो आपको उनको पढ़ना पड़ता है भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 19 है कि लिटिल एक नेगेटिव सेंस देता है, और ए लिटिल पॉजिटिव सेंस देगा, जब कभी भी लिटिल आ रहा है मतलब नेगेटिव है, और ए लिटिल एक पॉजिटिव सेंस में है, द लिटिल जो कुछ है उसमें से, ये द लिटिल है। फ्यू एक नेगेटिव सेंस के लिए होता है, जबकि ये फ्यू काउंटेबल है, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल है, याद रखना लिटिल मिल्क होता है, फ्यू मिल्क नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से राइस जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो लिटिल राइस है ना, फ्यू राइस नहीं होते वहां पर, लेकिन फ्यू मनी, फ्यू पैसे, ये सब क्या है, ये लगा देते हैं, द फ्यू और ए फ्यू, ये पॉजिटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं 69 में, कुड यू गिव मी सुगर, तो सुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो कुड यू गिव मी अ लिटिल सुगर, क्या आप मुझे एक थोड़ी सी शक्कर दे सकते हैं, अगर सिर्फ लिटिल लगाएंगे मतलब नहीं दे सकते हैं। 70 में, व्हेन माई फ्रेंड वाज इन ट्रबल आई ऑफर्ड हिम अ लिटिल मनी, नहीं द लिटिल मनी दैट आई हैड विथ मी, जो मेरे पास थी उसके में से मैंने उससे कहा ठीक ले जाइए, द लिटिल मनी है ना। 71, आई वॉज आउट ऑफ टाउन एंड कुडंट फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट, देयर फोर आई गॉट वेरी अ लिटिल स्लीप, क्या होता है भैया, तो लिटिल स्लीप लास्ट नाइट, मैं क्या था, फाइंड ए प्लेस, मुझे कोई प्लेस नहीं मिला रेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं सो नहीं पाया हूं, तो क्या होगा, लिटिल स्लीप, मतलब बिल्कुल नहीं सोया हूं, तो ए लिटिल नहीं आएगा। 72 में, ही मीट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, वो है कल एक एक्सीडेंट हुआ, उससे उसको उसने देखा, एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, उसको कुछ कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा, तो ए फ्यू डेज का प्रयोग करेंगे। 73 है, द स्कूल हैड टू कैंसिल द डिबेट कंपटीशन एज
अ फ्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट, क्योंकि फ्यू अगर कुछ ने देखो पार्टिसिपेट किया होता तो कभी भी वो कैंसिल ना करते, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पर एक हटा देंगे। इसलिए ए का प्रयोग बस यही है देखो कि अगर ए आ रहा है मतलब पॉजिटिव बन जाएगा और ए नहीं है तो वो नेगेटिव सेंस है। कॉन्सेप्ट नंबर 20 है एडजेक्टिव का, यूज करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि 74 में राहुल इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर देन महेश, तो स्ट्रॉन्गर है तो यहाँ पर वाइजर का प्रयोग होगा। दो कंपैरिजन सही होना चाहिए यहाँ पर, कंपेरेटिव डिग्री का दोनों होना चाहिए। माई फ्रेंड एंड आई गॉट ड्रेसेस फ्रॉम द सेम स्टोर बट स्टिल माइन इज बेस्ट। माइन इज बेस्ट नहीं होना चाहिए, माइन इज बेटर, गुड बेटर बेस्ट, तो माइन इज बेटर देन हर्स, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सी गेव बार्स ऑफ चॉकलेट टू एवरी वन ऑफ अस बट सैडली आई गॉट द स्मॉलर वन ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। तो आई गॉट द स्मॉलर अगर होता तो स्मॉलर है तो आगे देन भी आना चाहिए, लेकिन देन तो है नहीं है, तो आई गॉट द स्मॉलेस्ट वन ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, यहाँ पर स्मॉलेस्ट होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए। आई थिंक राहुल शुड आंसर दिस क्वेश्चन एज ही इज द बाइजिएस्ट अमाउंग अस। तो यहाँ पर मोस्ट बाइजिएस्ट नहीं लगा सकते कभी भी, ही इज द बाइजिएस्ट अमाउंग अस, क्योंकि कभी भी डबल सुपरलेटिव और डबल कंपलेटिव नहीं बनता है। द आर्किटेक्ट सेड दैट दो स्टाइल्स वुड लुक मोस्ट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट के साथ एक्सीलेंट है मतलब उसमें और कितना एक्सीलेंट करोगे, तो मोस्ट यहाँ से हट जाएगा। आई नो दैट ईच प्लेयर ऑफ अवर टीम, अगर ईच प्लेयर है तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करना होगा, हैव का नहीं, यहाँ है जाएगा। अ फ्यू पेस्ट्रीज दैट आई हैड कीप्ड फॉर यू आफ्टर द पार्टी। अब देखो ए फ्यू पेस्ट्रीज थी, कुछ पेस्ट्रीज थी तो पार्टी के पर फिनिश्ड बाई हिम, कुछ पेस्ट्रीज थी जो कि फिनिश्ड हो गई, तो यहाँ पर बर ना प्रयोग कर हम बाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए फ्यू पेस्ट्रीज है। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों मॉडल्स, बर्बर मॉडल्स का, रूल नंबर 21 से 30 तक, तो हम उसको लेंगे। आज के लिए इतना ही हमारा रहेगा, तो आई होप यू एन्जॉय। और टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से PDF को उसको डाउनलोड कर लेना, रिवाइज करना।